आज हम बात करेंगे आइडियल गैसेस पर, साथ ही हम स्टडी करेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं आइडियल गैसेस के लिए और डेली लाइफ से एग्जांपल लेंगे ताकि हम आइडियल गैसेस को बेहतर तौर पर समझ सकें। व्हाट आर आइडियल गैसेस? By definition, ideal gases obeys the ideal gas equation and also obeys the postulates of the kinetic molecular theory of the gases. याद रखें कि आइडियल गैस जो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन पर पूरा उतरती है जो कि है PV is equal to nRT और साथ ही आइडियल गैसेस ओबे करती हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट्स को। स्पेशली टू पोस्टुलेट्स का जिक्र किया गया है जहां पर ये बताया गया है दैट देयर इज नो अट्रैक्शन एंड द नो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं पाई जाती और हमारे पास जीरो वॉल्यूम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का। चलिए इसी को डिटेल में स्टडी करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है गैसेस की, वो हमें बताता है कि आइडियल गैसेस में हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान अट्रैक्शन क्यों मौजूद नहीं होती? आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। यही वजह होती है कि वो एक दूसरे से एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन जो होती है वो मौजूद नहीं होती, क्योंकि एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा छोटी होगी और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी एक दूसरे से तो उनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसका वॉल्यूम हम कहते हैं कि इसका जीरो वॉल्यूम है, मींस कोई वॉल्यूम नहीं है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक। एज कम्पेयर टू किसके मुकाबले में? गैस के कंटेनर के मुकाबले में, उसके वॉल्यूम के मुकाबले में। सपोज करें कि हमारे पास एक ह्यूज माउंटेन है, ठीक है, और उसके साथ आप दूसरी चीज़ को कंपेयर करें कि हमारे पास सैंड का पार्टिकल है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप ह्यूज माउंटेन के मुकाबले में उस सैंड पार्टिकल को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, उस सैंड के पार्टिकल को मैं जिक्र ही नहीं करूंगी कि ये एक ह्यूज सा माउंटेन है, मैं ये बताऊंगी नहीं कि यहाँ पर जो है एक सैंड का पार्टिकल भी अलग से पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में एक बहुत ह्यूज सा कंटेनर है, कंटेनर का साइज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जो गैस के पार्टिकल्स हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम कहेंगे कि ये सैंड के पार्टिकल्स को सपोज कर लें, तो ये पार्टिकल्स जो हैं गैस के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आइडियल गैसेस के मुताबिक कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, मींस यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इग्नोर किया गया है। क्यों इग्नोर किया गया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के मुकाबले में। डिस्कस करते हैं कि कंडीशंस को जब हमारे पास गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। आइडियल गैसेस के मुताबिक डेफिनेशन हमें ये कहती है कि वो गैसेस हैं जो कि तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारे पास क्या करती हैं, ओबे करती हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दर हकीकत हमारे पास आइडियल गैसेस जो हैं ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमारे पास गैस आइडियली बिहेव करते हैं, चलें इसे स्टडी करते हैं। याद रखें कि जब कभी हमारे पास गैसेस का टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा और उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और प्रेशर कम होने की वजह से आप नोट करेंगे कि क्या होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें बताया गया है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है। आप रिवाइज करें कि हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया गया है दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
मीन्स यहाँ पर जब हम गैस का को टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, इनकी नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगी वॉल्स के साथ बढ़ जाएंगी, क्या हो जाएगा एज अ रिजल्ट ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएंगे। ऑलरेडी ये छोटे छोटे होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, और जब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर चले जाएंगे, तो जो एम्प्टी स्पेसेस होंगी इनके दरमियान, जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस होगा वो और भी बढ़ जाएगा। तो याद रखें कि जब चीज़ कोई भी चीज़ बहुत छोटी होती है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी तो क्या होगा, उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होंगी, सही है। तो हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पोस्टुलेट्स है वो हमने बता दिया कि दैट देयर इज़ नो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। कब प्रेजेंट नहीं होंगी, जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर कम होगा। सेकेंड हमारे पास क्या पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का आइडियल गैसेस के लिए, कि जो वॉल्यूम होगा हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होगा, इसी वजह से हम उसे इग्नोर करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले में। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर को कम करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे क्योंकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पेस भी बढ़ जाएगा उनके दरमियान, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कंटेनर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यही वजह है कि हम क्या करते हैं जब बहुत बड़ी चीज़ होती है तो उसके मुकाबले में जो बिल्कुल छोटी चीज़ होती है उसको इग्नोर करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ली कि एक बड़ा सा पहाड़ है और उसके मुकाबले में रेत के दो चार ज़र्रे अलग से पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे उन तीन चार ज़र्रों को या कुछ थोड़े से सैंड के पार्टिकल्स को जो है इग्नोर करेंगे ह्यूज माउंटेन के मुकाबले में। कुछ इसी तरीके से ये कंटेनर बहुत ह्यूज है और ये गैस के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, यही वजह है कि हम इन गैस के पार्टिकल्स के वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, ठीक है। रिवाइज करते हैं कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं, जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर चले जाएंगे और एज अ रिजल्ट इनके दरमियान अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी और जो वॉल्यूम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो हम इग्नोर करेंगे एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। आइडियल गैसेस को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक वाटर ड्रम की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक बड़ा सा ह्यूज सा ड्रम है, इसको हमने वाटर से फिल किया गया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस ह्यूज से ड्रम में कुछ जो है साल्ट के पार्टिकल्स डाल देती हूँ, थोड़ा सा साल्ट नमक डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, बहुत थोड़ा सा। तो अब ये कंटेनर बहुत ह्यूज है और हमारे पास साल्ट के मैंने थोड़ा सा हाफ टी स्पून डाल दिया इसमें। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब हम देखते हैं इसमें। अब क्या होगा कि हम यहाँ पर कहते हैं कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, आइडियल गैसेस होती हैं, उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और उनका वॉल्यूम जो होता है कोई भी वॉल्यूम नहीं होता गैस के मॉलिक्यूल्स का, इसी को हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल गैसेस को। और हमने एग्जांपल लिए है एक ह्यूज से ड्रम की जो फुल ऑफ वाटर है और उसमें हमने कुछ साल्ट पार्टिकल्स डाल दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं लाइक साल्ट पार्टिकल्स, तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है और जब हमने डाले तो ये साल्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर चले गए, उसमें वहाँ पर स्प्रेड हो गए।
तो क्या हुआ कि साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट थिंग कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पर है और फ्यू इन नंबर्स हैं, बहुत कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे से हैं, तो अब मैं जब इसमें थोड़े से पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है, साल्ट के, तो क्या मेरे पास जो पानी है इस ड्रम का वो साल्टिश हो जाएगा? जवाब है नो, एब्सोल्युटली नो। हम जब कुछ थोड़े से साल्ट के पार्टिकल्स डालेंगे तो जब हम उस वाटर को टेस्ट करेंगे तो वो वाटर हमारे पास साल्टिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं तो वो जो इतने कम है कि उसने इस वाटर को इफेक्ट ही नहीं किया। यही वजह है कि जब अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इस ड्रम में क्या है, तो मैं यही कहूंगी कि इस ड्रम में ये फुल ऑफ वाटर है और वो जो साल्ट के दो चार पार्टिकल्स हैं उसे मैं इग्नोर करूंगी। कुछ इसी तरीके से हमारे पास, अगर आप देखें तो गैसेस को आप इसके साथ कंपेयर करें कि अगर इन साल्ट पार्टिकल्स की जगह गैसेस के फ्यू मॉलिक्यूल्स हों तो क्या होगा कि एक फुल कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास, मैं कहती हूँ कि फ्यू गैस के पार्टिकल्स हैं, लाइक साल्ट पार्टिकल्स की तरह। तो अब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं गैस के पार्टिकल्स, यही वजह है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, तो हम इनके दरमियान, जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर चली जाती है तो उनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, ठीक है। आप मैग्नेट को ही ले लें, अगर मैग्नेट को आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर ले जाते हो तो आप अगर उसको अट्रैक्ट करवा, एक दूसरे के कोशिश करते हो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो नहीं होगा। जैसे जैसे आप उसको करीब लाते जाते हो मैग्नेट को, तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आके उनके दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो कुछ इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स एक तो बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, दूसरे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, यही वजह होती है कि उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक। सेकेंडली ये कि हमारे पास ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक सैंड पार्टिकल्स की तरह, ये क्या होते हैं कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत थोड़े से हैं, ठीक है, और बहुत स्मॉल है साइज में, यही वजह है कि हम इस पार्टिकल्स को, ये साल्ट के पार्टिकल्स को या गैस के मॉलिक्यूल्स को इग्नोर करते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ड्रम के मुकाबले में या टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। साथ ही कि हम निगलेक्ट करते हैं गैस के वॉल्यूम को, या हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम जो होता है जीरो होता है इन केस ऑफ आइडियल गैसेस के केस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिजिटल केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।